पहला, प्रधानमंत्री जी, आप अपनी, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते? स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? आप ही तो कहा करते थे कि ये विदेश से कैसे आते हैं, जब सरकार आपकी है। मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, हम आपसे सवाल पूछते कि ये सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन्स और रॉकेट लॉन्चर देश में आए कहां से? एक आरडीएक्स ले जा रही कार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां काफिले के लिए सैनिटाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, वहां प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली जिससे हमारे सैनिक हताहत हो पाए? मोदी सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया? सरकार ने आतंकियों द्वारा IED के दुरुपयोग और सैनिटाइजेशन के बारे में 8 फरवरी 2019 की जम्मू कश्मीर की पुलिस के इस पत्र को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, इसे नजरअंदाज क्यों किया जिससे शायद हमारे जवानों की जिंदगी बच सकती थी? मोदी सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा हवाई मार्ग से सेना की आवाजाही करने के CRPF एवं BSF के निवेदन को क्यों ठुकराया गया? यह है वो आदेश जिससे खारिज किया था, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। मोदी सरकार के 56 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में हमारे 488 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मोदी जी, ऐसा क्यों? मोदी सरकार पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर 5,595 बार गोलाबारी रोकने और सीमा के उल्लंघन में को रोकने में नाकामयाब क्यों रही? नोटबंदी से आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए जैसा मोदी जी आपने देश को कहा था? इन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा।